हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर, एक्सरसाइज यूनिट फोर, एक्सरसाइज 4.4। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट लैंग्वेज की क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आपको लैंग्वेज की क्वेश्चन सबसे पहले समझने होंगे, तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन करेंगे और इनकी हिंदी को अच्छी प्रकार समझेंगे, ठीक है जी। जब आपको हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। सभी अपनी बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 36। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 62,473 जीन्स इन 2015 एंड 36,425 जीन्स इन 2016। हाउ मैनी जीन्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन 2 ईयर। स्टूडेंट, पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो एक साल में, यानी कि 2015 में 62,473, यानी कि 62,473 जीन्स बनाती है 2015 में। ओके स्टूडेंट, ये एक फैक्ट्री है जो 2015 में 62,473 जीन्स तैयार करती है एंड और 2016 में, भाई पहले साल में इतनी करें, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2016, उसमें कितनी बनाती है 36,425, यानी कि 36,425 जीन्स वो 2016 में बनाती है। ओके स्टूडेंट, जो ये ईयर है ये ऐड नहीं होंगे, है ना, हमें तो जीन्स ही तो देखनी है। स्टूडेंट उन्होंने भाई 2015 में कितनी बनाई, 2016 में कितनी बनाई, तो स्टूडेंट आगे कह रहा हाउ मैनी जीन्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन 2 ईयर, तो उन दोनों सालों में उसने कितनी जीन्स बनाई, ठीक है स्टूडेंट। तो जो 2015 है 15 में बनाई और 2016 में बनाई, उन दोनों जो भी जीन्स की संख्या है उन्हें हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब आप ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे कि आपने आज 2 टॉफ़ी खाई और 2 टॉफ़ी स्टूडेंट आपने कल खाई, तो दोनों दिनों में आपने कितनी टॉफ़ी खाई? तो स्टूडेंट 4 टॉफ़ी खाई। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है ना भाई, एक साल में इतनी जीन्स बनी और अगले वाले साल में इतनी जीन्स बनी, तो जितनी भी दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज देखिए आप इसकी, स्टूडेंट लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेज 2-3 प्रकार से बन सकती है ना। ये जो लैंग्वेज है हमने ऐसे बनाई है, नंबर ऑफ द जीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2015। स्टूडेंट यानी कि 2015 में कितनी जीन्स बनी, 62,473, ये हमने इसके आगे लिख दिया इक्वल लगा के। स्टूडेंट ये हमने पहले ही लिख लिया था ताकि वीडियो अधिक, अगर हम साथ के साथ लिखते तो अधिक लंबा वीडियो हो जाता है ना। तो नंबर ऑफ द जीन्स मैन्युफैक्चर इन 2016 इक्वल टू 36,425। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना, ये देखना कि भाई दोनों साल में कितनी जीन्स बनी। तो टोटल जीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2 ईयर, यानी कि इन दोनों सालों में कितनी जीन्स तैयार हुई, है ना स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन्हें जोड़ देंगे, जो जितनी भी जीन्स तैयार होगी वो आंसर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। स्टूडेंट वंस वाले के साथ जुड़ेगा, है ना। देखिए स्टूडेंट इसमें जो भी डिजिट छोटी होती है उसकी लाइन ड्रा कर सकते हैं अगर आपसे ऐड करने नहीं आते। 1, 2, 3 हमने देख लिया, 3 और 5 में से 3 डिजिट छोटी होती है, तो 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब 3, 5 से आगे काउंट करेंगे, 6, 7, 8। ओके स्टूडेंट,
आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 7 है और 2 है, इन दोनों को ऐड करना। तो स्टूडेंट 7 2 में कौन सी छोटी है, स्मॉल है 2, तो हमने 2 लाइन ड्रा कर ली स्टूडेंट। अब 7 से आगे 8 9, ठीक है जी। अब दोनों इक्वल है स्टूडेंट, 4 से आगे 4 तक काउंट कर लेंगे स्टूडेंट, आप फिंगर पे भी कर सकते हैं, है ना। 4 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं जी। अब 6 और 2 में से 2 स्मॉल है तो 2 फिंगर 2 देख लेंगे, 1 2। अब 6 आगे काउंट कर लेंगे 7 8, और 6 और 3 9। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे ऐड करना नहीं आता तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके ही करिए, ठीक है जी। वैसे तो 4th क्लास में सभी बच्चों से ऐड आ जाना ही चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिख देंगे, तो भाई 2 ईयर में, दोनों ईयर में कितनी इंचेस बनी, 98,898, है ना स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, 5,725 चिल्ड्रन विजिटेड इन एन एग्जीबिशन ऑन संडे, और जी 15,700 मैन एंड 14,625 वुमेन आल्सो विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द सेम डेज, हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन। तो स्टूडेंट इस पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए, 5,725 चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, विजिटेड माने गए स्टूडेंट, एग्जीबिशन माने नुमाइश में, और संडे वाले दिन ऑन संडे यानी कि 5,725 बच्चे रविवार वाले दिन एक नुमाइश देखने गए, और स्टूडेंट 15,700 यानी कि 15,700 आदमी, मैन माने आदमी, एंड 14,625 यानी कि 14,625 वुमेन माने औरतें हैं, विजिटेड एग्जीबिशन ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे का मतलब है संडे वाले दिन ही, उसी दिन। तो स्टूडेंट ये भी उसी दिन ही गए एग्जीबिशन देखने। तो आपको बताना हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन, तो कितने टोटल कितने आदमी जो नुमाइश है उसे देखने गए। नुमाइश स्टूडेंट एक तरह का मेला ही होता है, ठीक है जी। तो आप इसे देख लेते हैं, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन संडे, यानी कि रविवार वाले दिन बच्चे नुमाइश देखने गए, कितने, 5,725। ओके स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट तीनों जो लाइन है ये एक जैसी ही रहेंगी, बस चिल्ड्रन की जगह मैन आ जाएगा, यहाँ मैन आ जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों लाइन सेम रहेंगी। तो नंबर ऑफ द मैन विजिटेड इन एग्जीबिशन ऑन संडे, आदमी कितने गए भाई नुमाइश देखने, 15,700, एंड नंबर ऑफ द वुमेन और औरतें कितनी गई स्टूडेंट संडे वाले दिन नुमाइश देखने, 14,625, ठीक है जी। टोटल पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन संडे, तो स्टूडेंट टोटल जो लोग थे सब मिलाकर, बच्चे औरतें और आदमी तीनों मिलाकर कितने आदमी जो नुमाइश थी यानी ये मेला था उसे देखने गए, ठीक है जी। तो इन्हें ऐड कर देंगे सबको तीनों को, 5 5 10 स्टूडेंट, अगर वंस वाली डिजिट को या कोई भी डिजिट को आप ऐड करते हैं और आंसर डबल डिजिट में आता है, तो जो वंस वाली
डिजिट होती है उसे तो हम यहाँ लिखते हैं, और जो टेन वाली होती है वो टेन पे कैरी के लिए चली जाती है। ठीक है जी। अब टू टू फोर और वन फाइव। तो स्टूडेंट देखिए, ये डबल डिजिट नहीं है, ये सिंगल डिजिट है फाइव, तो इसमें कैरी ऐड नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये कैरी वाले क्वेश्चन है या विदाउट कैरी के हैं, है ना। तो आपको ये खुद ही पता लगाना होता है कि ये कैरी के है या विदाउट कैरी के है। तो स्टूडेंट अगर जब भी डबल डिजिट होगी तो उसमें कैरी ऐड होगा, अगर सिंगल डिजिट आएगी ऐड करके तो कैरी के नहीं होंगे। ठीक है जी। जैसे कि टू टू फोर और वन फाइव सिंगल डिजिट आई तो इसमें कैरी ऐड नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें डबल डिजिट आई थी तो कैरी ऐड हो गया था। अब सेवन सेवन फोर्टीन, फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी, तो स्टूडेंट ये ट्वेंटी होगा, ट्वेंटी के वंस वाली डिजिट ये तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। अब जो भी ऊपर डिजिट है वो टू है, अब ये टू बची तो ये नेक्स्ट कैरी के लिए चली जाएगी। ठीक है जी। अब फाइव फाइव टेन और टू फोर्टीन और टू सिक्सटीन, तो सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन। तो स्टूडेंट यहाँ कोई प्लेस नहीं है, यहाँ जीरो ऐड कर लेते हैं, है ना। वन टू थ्री, तो स्टूडेंट ये आंसर हो जाएगा। तो थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी। एक बार और ऐड करके देख लेते हैं स्टूडेंट। फाइव फाइव टेन की जीरो कैरी वन, और टू टू फोर और वन फाइव, और सेवन सेवन फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी कैरी टू, फाइव फाइव टेन और टू ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन कैरी वन, वन वन टू और वन थ्री। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तो संडे वाले दिन कितने लोग मेला देखने गए, एग्जीबिशन यानी कि नुमाइश देखने गए स्टूडेंट, ये वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर थ्री। ए बुक शॉप हैड 565 नोटबुक। स्टूडेंट जो एक बुक शॉप है यानी कि किताबों की दुकान है, वह 565 यानी कि 565 नोटबुक यानी कि कॉपियां रखती है। ओके ओके स्टूडेंट। फॉर द न्यू स्कूल सेशन दे प्लेसिड एन ऑर्डर फॉर 5,250 मोर नोटबुक। तो स्टूडेंट उन्होंने स्कूल का नया सेशन शुरू हो गया सत्र, तो उसके लिए उन्होंने 5,250 नोटबुक ऑर्डर करी, है ना जी। हाउ मैनी नोटबुक आर देयर इन द बुक शॉप नाउ। अब बताना है आपको बुक, जो बुक की दुकान है, किताब की दुकान है, उसमें अब कितनी बुक है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं पहली कितनी थी इतनी, और जी अब कितना ऑर्डर बुक हुआ ये हुआ, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके पता चल जाएगा कि भाई कितनी नोटबुक थी। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास दो रुपये हैं, आपको किसी ने आपको तीन रुपये और दे दिए, तो बताओ आपके पास कितने हुए, हैं जी। तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, थ्री टू फाइव, फाइव रुपीज़ हो गए, है ना। इसी प्रकार इतने हैं कि भाई उसके पास पहले से ही इतनी बुक थी, उसने नई बुक और मंगा ली, तो टोटल बुक कितनी हो गई। ठीक है जी। अब देखिए, नंबर ऑफ द नोटबुक हैड ए शॉप, एक दुकान पर बुक कितनी थी जी, 565। न्यू ऑर्डर फॉर नोटबुक है, नया ऑर्डर नोटबुक के लिए कितने का था जी, 5,250 का। टोटल नोटबुक इन शॉप नाउ, अब दुकान पर कितनी बुक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए, 505, 5 और 6 11, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1
एट और जी फाइव का फाइव आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, टोटल नोटबुक कितनी है? 5815। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर फोर जी, सैम बोट ए टीवी फोर 45,575। सैम ने बोट मनी खरीदना, सैम ने एक टीवी खरीद लिया जिसकी कीमत 45,575 रुपये है। ओके स्टूडेंट, एंड ही बोट ए रेफ्रिजरेटर, और उसने एक फ्रिज भी खरीद लिया भाई, जिसकी कीमत कितनी है जी? 25,650, यानी कि 25,615 रुपये है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? तो स्टूडेंट, इन सबको खरीदने में उसने कितने रुपए, ठीक है जी? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक 2 रुपए की रबड़ ले ली, एक 500 रुपए की पेंसिल ले ली, तो आपको बताना आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, है जी? तो स्टूडेंट, 2 की रबड़ ली और 5 की पेंसिल ली, तो कितने हो गए? तो 7 रुपये हो गए, है ना? इसी प्रकार ये है, तो उसने एक टीवी लिया, एक रेफ्रिजरेटर, वो फ्रीज लिया। स्टूडेंट, अब दोनों के रुपए बताने आपको कितने खर्च किए, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना? तो करिए, द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इक्वल टू 45,575। ओके स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रीज की कीमत कितनी है जी? 25,650। अगर स्टूडेंट आप जैसे नंबर आ गया है ना, ये एक नंबर है स्टूडेंट, ये कॉस्ट है, आप इसे पढ़ नहीं पा रहे कि भाई ये क्या लिख रहा है ना, आप देख तो रहे भाई 4 है 5 है 7 है 5 है, लेकिन आप इसे बहुत पढ़ नहीं हो सकते जैसा हम पढ़ रहे कि 45,575। तो स्टूडेंट आप इसे कैसे पढ़े, एक बार बता रहे हैं, तो स्टूडेंट आप इस पर 1s 10 डाल लीजिए, 1s 10s 100 1000 10000, ठीक है जी? 1s 10s का पेयर बनेगा, 100 हमेशा के लिए रहेगा, 1000 1000 का पेयर बनेगा। तो स्टूडेंट ये पेयर है तो एक साथ ही पढ़े जाएंगे, तो 45 पढ़ा गया है ना। पहले तो स्टूडेंट नंबर को पढ़ते हैं, फिर उसकी प्लेस को पढ़ते हैं, 45 की दोनों की प्लेस क्या है जी? 1000, तो 45,000, फिर ये खत्म हो गए थे ना, फिर आगे 5 है 500, 5 के ऊपर 100 लिखना तो 500, और लास्ट वाले भी पेयर है तो एक साथ पढ़े जाएंगे 75। ओके स्टूडेंट, ऐसा आप इन्हें रीड कर सकते हैं। तो जी, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 25,615, टोटल मनी स्पेंट इन ऑल। तो स्टूडेंट उनकी टोटल मनी कितनी खर्च हुई इन सबको खरीदारी करने में, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 5 10 10 डबल डिजिट में है तो एक कैरी में जाएगा ऊपर वाली डिजिट, 1 और 7 8 और 1 9। ओके स्टूडेंट, 5 और 6 11 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 कैरी 1, और जी 4 2 6 और 1 7, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 71,190। क्या आंसर आ गया जी? 71,190 आर एस। ओके स्टूडेंट, इतने रुपए दोनों चीजों को खरीदने में लगे, ठीक है जी? अब लास्ट क्वेश्चन है जी 5। तो जी बुक ओपन करके देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 5। ए फार्मर सोल्ड 10,545 केजी ऑफ पोटैटोस। सोल्ड माने बेच दिए, स्टूडेंट फार्मर माने किसान है, किसान ने 10,545 किलोग्राम आलू बेच दिए, और 11,275 केजी यानी कि 11,275 किलोग्राम ओनियंस माने प्याज,
और इतनी प्याज बेच दी स्टूडेंट उसने, और 10,025 केजी ऑफ टमाटोज और 10,025 किलोग्राम उसने टमाटर बेच दिए। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल ही सोल्ड, बताइए उसके द्वारा कुल कितनी सब्जियां, कुल कितने किलोग्राम की सब्जियां बेची गई, यानी कि उनका वेट वजन क्या है जो सब्जी बेच दी गई। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे आप, तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे, है ना, जब आप ऐड करेंगे तभी तो आंसर आएगा ना। तो देखिए कैसे करना है, लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। ए फार्मर सोल्ड पोटैटोज, तो स्टूडेंट एक किसान ने जो आलू बेचे हैं वे कितने बेच दिए, इतने जी। ए फार्मर सोल्ड ओनियन, ओनियन कितनी बेची, इतने किलोग्राम। और ए फार्मर सोल्ड पोटैटो टमाटोज कितने बेचे जी, ये रहे है ना 10,025 केजी। तो स्टूडेंट टोटल वेट ऑफ सोल्ड वेजिटेबल है जी, बेची गई सब्जियों का वजन, कुल वजन बेची गई सब्जियों का कुल वजन कितना हो जाएगा जी, आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 5 5 5 तीन बार है, 5 3 15 15 का 5। ओके स्टूडेंट कैरी 1, और देखिए 7 2 9 1 10 4 14। ठीक है जी, अब कैरी 1 14 हुए थे ना, तो 1 कैरी में चला जाएगा स्टूडेंट। 5 1 6 2 8 और 1 कैरी लगाए नहीं स्टूडेंट इसमें, तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 में अगर कोई भी डिजिट ऐड करें तो वही आंसर आएगा 1 2 3। तो स्टूडेंट कुल कितना वजन की सब्जी बेच दी उसने, 31,845 केजी आंसर। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई 4.4। स्टूडेंट लैंग्वेज बनाने में आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह उसकी हिंदी समझें और उसे निकाल के रफ कॉपी पे देखें, अगर आप निकाल के देखेंगे तभी आपको लैंग्वेज बनानी आएगी, अदरवाइज कभी भी नहीं आनेगी, एक बार खुद करके देखें। ठीक है जी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट थैंक यू, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं।